अब बात करते हैं रतलाम की डॉक्टर दिव्या की, जो खुद के डिजाइन कपड़े पहनकर मिसेज यूनिवर्सल सेंट्रल एशिया 120 देशों की सुंदरियों को पीछे पछाड़ दिया है। रतलाम की बेटी डॉक्टर दिव्या पाटीदार ने दुनिया में खूबसूरती का डंका बजाया है। 120 देशों को पीछे पछाड़ कर मिसेज यूनिवर्सल सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब जीता है। उन्हें मिसेज यूनिवर्स इंस्पिरेशन का अवार्ड भी मिला है। प्रतियोगिता साउथ कोरिया के सियोल में 5 जुलाई को हुई थी। इससे पहले दिव्या मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी 2018 और मिसेज यूरेशिया 2019 की विजेता रही हैं। दिव्या पाटीदार इस सफलता का श्रेय मां राधा पाटीदार को देती है। दिव्या ने कोरोना काल में पिता को खो दिया था। इसके बाद मां ने अपनी तकलीफों को भूलकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। खास है कि दिव्या ने कंपटीशन में पहनने के लिए खुद की ही गाउन डिजाइन किए हैं, साथ ही 3 साल के बेटे आर्यमन को भी संभाला है। डॉक्टर दिव्या ने बताया कि कॉलेज के समय से ही मॉडलिंग, सोशल वर्क, अभिनय और संगीत के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। यही नहीं, टीवी शो सारेगामा पा और इंडियन आइडल के टॉप 100 में भी वह रह चुकी हैं। वर्ष 2013 में दिव्या की शादी रतलाम के ही रहने वाले मर्चेंट नेवी ऑफिसर प्रयास जोशी से हुई थी। इसके बाद ससुराल से भी मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिला है। ये प्रतियोगिता हर साल विभिन्न देशों में आयोजित की जाती है। पिछले साल कोरोना के कारण प्रतियोगिता नहीं हो सकी थी। दिव्या ने बताया कि यह एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि जीवन की यात्रा है। कोई किसी से आगे या पीछे नहीं है। हम सभी स्टूडेंट्स और हम सभी ही टीचर हैं। सीखना और सिखाना हमारी ड्यूटी है। इस दौरान दिव्या ने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने PhD, MBA और MA की डिग्रियां भी हासिल की हैं। वर्ष 2018 में 1 साल के बेटे आर्यमान को साथ लेकर दिव्या पाटीदार जोशी दिल्ली गई थी। वहां मिसेज इंडिया माय आइडेंटिटी अवार्ड जीता था। इसके बाद दिव्या को टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। 2021 ये शेड्यूल था, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, पोस्टपोन होते जा रहा था कोविड के कारण। मिसेस इंडिया 2018 की विनर बनने के बाद मैं लाइंड अप थी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फाइनली ये जून 2022 में शेड्यूल हुआ साउथ कोरिया सियोल में, और मैं अब मिसेस यूनिवर्स इंस्पिरेशन का अवार्ड जीत चुकी हूँ और मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 अब इस नाम से मैं जानी जाऊंगी। पहले दिल्ली में रही थी, तो मेरा बेटा जब 1 साल का था मैं इसे लेकर गई थी। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया था, तो जब मैं सियोल गई थी तो ये इसकी नानी के पास था। तो ये हो जाता है, कभी ये इसकी दादी के पास रहता है, कभी नानी के पास रहता है। तो दोनों घर मेरे यहीं पर रतलाम में ही हैं, तो एडजस्ट हो जाता है। मैं थोड़े टाइम यहाँ रह लेते हैं, थोड़े टाइम वहाँ रह लेते हैं। हस्बैंड मेरे नेवी ऑफिसर हैं, तो वो बाहर रहते हैं, और मैं यहाँ पर सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। खुद का NGO है मेरा, द ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन। तो ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से महिला बाल विकास के क्षेत्र में हम लोग, मम्मी ने रात रात भर खुद अपने हाथों से उन्होंने कुछ डिज़ाइनिंग किए हैं, कुछ गाउन्स में कुछ स्पेशल ऑल्ट्रेशंस करना, कुछ स्पेशली अलग से कुछ दिखे, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है।